मऊ कोतवाली प्रभारी गुलाबचंद त्रिपाठी का 28 अक्टूबर को दूसरे थाने में ट्रांसफर होने पर पूरे कोतवाली सकिल की जनता, वकील, डॉक्टर, व्यापारी व पूरा थाना का स्टाफ गुलाबचंद त्रिपाठी के स्वभाव को देख करके उनको खुशी खुशी विदाई दी। गुलाबचंद त्रिपाठी ने 8-9 महीने कोतवाली में कार्यभार संभाला। उन्हें सभी वर्गों की जनता ने पसंद किया। लोग चाहते थे कि उनका ट्रांसफर न हो, लेकिन उन्हें बांदा ट्रांसफर कर दिया। विदाई के दौरान उन्होंने कस्बेरवासी व स्टाफ को धन्यवाद दिया। गुलाबचंद त्रिपाठी ने स्टाफ से नए प्रभारी का सहयोग करने की अपील की। ज्ञात हो कि गुलाबचंद त्रिपाठी ने कोतवाली मंदिर व कस्बे का कायाकल्प किया है। इस दौरान कांस्टेबल शिवम मिश्रा ने कोतवाल को साल भेंट की। अन्य एसआई व कांस्टेबल ने भी कोतवाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने थाने के उत्तर पूर्वी हिस्से की सफाई करवा करके अच्छी व्यवस्था करवाई और पूरे थाने में ऊंचाई देकर के इंटरलॉकिंग खरंजा इन्हीं के कार्यकाल में बनवाया गया। अतः क्षेत्र की जनता गुलाब त्रिपाठी से बहुत ही प्रसन्न थी। उत्तर प्रदेश चित्रकूट से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हमेशा नियुक्त रहे और हम अच्छे बुलंदियों पर जाए। और मैं क्षेत्रीय जनता से कहूँगा कि आने वाले जो भी लोग होंगे उनका आप लोग बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करिए, जिससे हमारे क्षेत्र के गरीब और हमारे परिवार में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या व्यसन न हो सके और हमारा परिवार खुशहाल रहे। ढेर सारी बातें, चूँकि अजय भाई की तरह नेता नहीं है ना, आप जोड़ करके विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जितना सहयोग दिए वो बहुत बढ़ चढ़ करके है। आपने मान दिया, सम्मान दिया, मैं सदैव आभारी रहूँगा। और गुप्ता जी ने जो बात कही है, मैं इस रास्ते से जाऊँगा जरूर। इस चौराहे की एक कप चाय विनोद की पी के की।